चुका है।
तस्वीरें देख रहा हूँ। धन्यवाद भाई लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलान खत्म हो चुका है। जो चीज आप नहीं देख पाए हैं हमारे फेसबुक पेज पे आपको सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जाइए आप वहां भी देख सकते हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आपको लाइव दिखाए हैं, काफी शोर, एक चींटी जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी आपको लाइव दिखाया है। जो चीज आपसे छूट चुके, जो नहीं देख चुके देखने हुए, वो आप कृपया अब मेरे फेसबुक पेज पे वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। जो भी भाई मुहर्रम की जुलूस या फिर नहीं देख पाए हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, और कुछ वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी तो
वहाँ देख सकते हैं समाचार पे। आराम से, आराम से, आराम से ले जाएगा, आराम से ले जाएगा। गाड़ी जाने के रास्ते पे खिलाड़ियों से गुजारिश है कि शादी में बनाए रखे और गाड़ी आ रही है, ऐसे भागते हो बचा, ऐसे भागते हो बचा। मिलान खत्म हो चुकी है, फिर भी भीड़ का नजारा आप देख सकते हैं। भीड़ खत्म कर चीटी जलने का भी जगह नहीं है। आपको पूरी तस्वीरें लाइव हम दिखाए हैं, और जो जो वीडियो नहीं देख पाए हैं लाइव तस्वीरें, वो जाके कृपया मेरे पेज पे जाके देख लें, वहाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये वाली वीडियो अब कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगी। अभी अपडेट हम आपको अपलोड के समय दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी और शांतिपूर्ण मिलान दरभंगा में होती है, लगभग 1926 से होते आ रही है और आगे भी होती रहेगी। आज भी सुकून के साथ और काफ़ी भाईचारे के साथ ये मिला समाप्त हुई है और काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है ये मुहर्रम का पर्व। इतना सुंदर नजारा शायद ही हिंदुस्तान के कोने कोने में दिखाई जा रहा है। साथ और देख सकते हैं यहाँ पे प्राइज दिया गया है। आराम से धीरे धीरे अपने घर पे जाएंगे। दरभंगा में हमेशा की तरह इस साल भी अच्छे से मुहर्रम का पर्व मनाया गया और शांति के साथ मनाया गया। काफ़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि बहुत ही अच्छी तरीके से मुहर्रम दरभंगा में मनाया गया। और जैसा कि दरभंगा में मिलान 1926 से होते आ रही है और आगे भी होती रहेगी। कौन जीता वो भी अपडेट मिल जाएगा आपको अपलोड करते समय। इसमें भी जीत का पता नहीं चला है। हरी झंडी दिखाई गई जब शुरू हुई थी और फिर
एंड होने से पहले भी हरी झंडी इस्लामिक झंडी दिखाई गई, तब जाके वो चीज मिलान रुकी, इसमें हार जीत का भी पता नहीं चला। हम कुछ ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, पूरा दरभंगा जाम हो चुका है, पूरा दरभंगा जाम हो चुका है, ऐसा नज़ारा आप लाइव देख रहे हैं, पूरा दरभंगा जाम हो चुका है। और शांति वातावरण के साथ मनाया गया अपना त्यौहार। जैसा कि बता दें, मिलान होने से पहले मुन्ना खान जो मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, और समाप्त होने से पहले भी इस्लामिक हरी झंडी दिखाई, उसके बाद ये मिलान रुका। ये नज़ारा देख सकते हैं, ये पांच नेका का नज़ारा है, और सीधे ये करबला की तरफ सब निकलेंगे पूरा घूमने। पूरा पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे है, और दरभंगा मुहर्रम कमेटी के कार्यकर्ता भी चुस्त और दुरुस्त दिख रहे हैं। काफ़ी खुशी हो रही है देखकर, इतनी बड़ी पर्व एकदम शांतिपूर्ण से और एकदम अच्छे तरीके से मनाया गया, काफ़ी खुशी हो रही है। देख सकते हैं काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त मुहर्रम कमेटी के सदस्य पुरुषोत्तम भी हैं, और देख सकते हैं पूरा चलती हुई लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई थी, वो चीज़ हमारे पेज पे अपलोड हुई है। आप मुहर्रम का हर एक तस्वीर रोक के सामने करवाइए, महिला को आगे बढ़वाइए। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल भी है दरभंगा समाचार करके, उस पर भी ये न्यूज़ कल आज रात में ही डाला जाएगा, कल आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मेल फीमेल सब बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई वो हल्ला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई काटा काटी नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया मुहर्रम का ये त्यौहार। और हमेशा इसीलिए दरभंगा ऑन टॉप पे रहते हैं हर एक साल, दरभंगा कमेटी मुहर्रम कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुन्ना खान इस बार चुने गए हैं, और तनवीर आलम भी चुने गए हैं अध्यक्ष के। और कोषाध्यक्ष पप्पू खान भी, तीनों बहुत ही लगभग 10-15 दिन से दिन रात एक कर दिए, देख रहे काफ़ी चुस्ती और दोस्ती के साथ, पुलिस बल की भी तैनाती और आर्मी की तैनाती की गई थी, काफ़ी हद तक सफल हो चुकी है, कोई झगड़ा नहीं, कोई हल्ला हल्ला नहीं। बहुत खुशी हो रही है लाइव दिखा के आपको, लाइव दिखाने में भी हमें भी बहुत खुशी हो रही है। देख सकते हैं सब करबला की तरफ निकल रहे हैं, दरभंगा स्टेशन के बगल में एक पोखर है, बहुत बड़ा पोखर तालाब है, उसमें इसको जाता हुआ दसवीं मुहर्रम के मिलान के बाद ये तजिया करबला की ओर। सॉरी दोस्तों, मेरा बैटरी लो हो रहा है, इसलिए हम लाइव यही ख़त्म करते हैं। सभी भाइयों को लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने लाइव नहीं देखा है वो हमारे पेज पे अपलोड हो जाएगा 5 मिनट में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।